हाँ बेटा, वो भी सुन लें, जब अभी लेट आए हैं सब लोग आ गए। मुझे लग रहा है कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस किसे कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात है, वर्क डन बाय द फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड बिटवीन टू पॉइंट्स, देन दैट फोर्स इज सेट टू बी कंजर्वेटिव फोर्सेस। मान लो आपको 1 से 2 तक आप डिफरेंट डिफरेंट रास्ते हैं पार्टिकल को ले जाने के। आप एक डब इस रास्ते से ले गए, एक इस रास्ते से ले गए, एक इस रास्ते से ले गए, और कोई फोर्स ऐसा है जो आप किसी भी रास्ते से ले जाओ, वर्क डन उसका हमेशा 1 से 2 पॉइंट तक सेम रहता है। ठीक है, वो डिपेंड नहीं करता है कि आप किस रास्ते से ले जा रहे हो, बस उसको मतलब है इनिशियल और फाइनल पोजीशन से। तो ऐसे फोर्सेस कॉन्जर्वेटिव फोर्सेस कहलाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल कॉन्जर्वेटिव फोर्सेज के ये दो हैं जो आप खूब पढ़ेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दीज आर कॉन्जर्वेटिव फोर्सेस। ठीक है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जाम्पल आपका फ्रिक्शनल फोर्स है। आप इस रास्ते से ले जाओगे, कम लंबाई है, फ्रिक्शन ज्यादा वर्क कर जाएगा। इस रास्ते से ले जाओगे, लंबाई कम है, ये ज्यादा है तो ज्यादा वर्क, लंबाई कम कम वर्क। तो बहुत डिपेंड कर रहा है म्यू एम जी का वर्क किस रास्ते से आप ले जा रहे हो, तो इसलिए फ्रिक्शन आपका कहलाता है। बहुत फेमस एग्जाम्पल है नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का। आपको जो एम जी का लिखने का तरीका बताया, मान लो ए से बी तक गया पार्टिकल, आप वर्क डन बाई एम जी हमेशा ही माइनस एम जी एच लिखोगे, बता रखा है मैंने आपको। वर्टिकल हाइट का डिफरेंस देखेंगे, आप इसको उठा के ऊपर ले गए, फिर यहाँ तक लाए, या कहीं घुमा के फिर आप यहाँ पे लाए, क्या फर्क पड़ता है? अगर आप ए से बी तक जा रहे हो, दोनों के बीच का वर्टिकल हाइट का डिफरेंस एच है, आप किसी भी रास्ते से कैसे भी ले जाओ, वर्क डन बाई एम जी हमेशा किसके बराबर रहेगा? माइनस एम जी एच के बराबर रहेगा। ये डिपेंड नहीं करता बेटा आप कैसे ले जा रहे हो। ठीक है, तो किसी भी कांस्टेंट फोर्स के लिए कंजर्वेटिव वाली बात ट्रू हो जाएगी, क्योंकि आप कांस्टेंट फोर्स का वर्क केवल डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसलिए आपका एम जी क्या बोलते हैं हम, वो कंजर्वेटिव फोर्सेस बोलेंगे, इसलिए हम लिख रहे हैं माइनस एम जी। हम नहीं देखते कहाँ से कहाँ तक गया, बस ए से बी तक गया, वर्टिकल हाइट का डिफरेंस एच है, माइनस एम जी। ये सिखाया गया, आपने प्रूफ भी कर लिया था, कंपोनेंट हमेशा एच के बराबर आ जाए। ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट फोर्सेस का वर्क मैंने डायरेक्ट लिखना बताया ना, एफ वेक्टर डॉट ए बी वेक्टर। अब इसमें से क्या रास्ता है, क्या फर्क पड़ता है? इस तरह से कांस्टेंट फोर्स क्या है, कंजर्वेटिव फोर्सेस, हमेशा जो कांस्टेंट। क्लियर है आपको? ऐसे तो लिखते हो आप, कांस्टेंट फोर्स का इंटीग्रेट करके थोड़ी लिखते हो। ठीक है, तो वही बात इसमें है। तो मैं कुछ एग्जाम्पल्स ले रहा हूँ आपको, देखो आप थोड़ा और अंदर जा पाते हैं क्या इसके कंजर्वेटिव फोर्सेस के। जैसे मैंने बोला कि मान लो एफ वेक्टर है आपका फोर्स वेक्टर है, कुछ के एक्स आई कैप है, ये आपका फोर्स वेक्टर है के एक्स आई के, उसका वर्क डन निकालना है x1 से x2 तक, x1,0,0 से x2,0,0 तक। क्या करेंगे आप? W इक्वल टू इंटीग्रेशन के एक्स डी एक्स, यही है आपका। ठीक है, तो के एक्स डी एक्स को आपने क्या लिखोगे, x1 से x2 तक इंटीग्रेट कर दोगे, तो ½ kx2² - x1² आ जाएगा। तो मैंने पूछा ही नहीं आपसे कि रास्ता क्या था आपका ए से बी तक जाने का। ऐसे ही आप ये वाला फोर्सेस लीजिए, ए एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप। मैं पूछ रहा हूँ आप ए से लेकर बी तक का वर्क बता दीजिए मुझे कितना होगा, मैंने रास्ता नहीं पूछा आप कैसे जा रहे हो। क्यों? क्योंकि देखो वर्क निकालने में देखो कहीं जरूरत पड़ रही है कि रास्ते की। एफ वैक्टर डॉट डी एस वैक्टर, क्या करोगे? यही तरीका है आपका निकालने का। रास्ते की जरूरत का मीनिंग समझ में आ रहा है आपको? इसमें अभी आएगा, देखो ये डी आर वैक्टर है आपका, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप है। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट में आप क्या लिखोगे, ए एक्स डी एक्स प्लस बी वाई डी वाई, ऐसे ही करोगे डॉट प्रोडक्ट। एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 0,0 से 2,1 तक, तो आप तो लिखते रहे, उसका वर्क लिख दिया आपने तो, a/2 x²(0 से 2) + b/2 y²(0 से 1). तो कितना आ गया, ये आ गया 2 × 4 प्लस b/2 × 1, तो ये 2a + b/2 वर्क आ गया आपका। देखो पूरा वर्क निकाल दिया आपने, और कहीं आपने रिलेशन पूछा मुझसे कि वाई और एक्स में क्या रिलेशन, कहीं आपने पूछा वाई और एक्स में क्या रिलेशन है? कहीं जरूरत पड़ी आपको वाई और एक्स के रिलेशन के लिए वर्क निकालने में? नहीं पड़ी ना, कहीं जरूरत नहीं है। वाई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स, आपने पूछा ही नहीं कि सर रिलेशन तो बताओ किस रास्ते पर जा रहा है। तो ऐसे फोर्सेस क्या कहलाते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स हैं। तो अब तक सारे आप कंजर्वेटिव का वर्क निकाल रहे थे, इसलिए मैंने कभी रास्ता बताया नहीं, आपने कभी पूछा नहीं। ठीक है ना, क्लियर है? बट मैं इसको ऐसे कर दूं, ए वाई स्क्वायर आई कैप प्लस बी एक्स क्यूब जे कैप, इस तरह से कर दूं। अब आप मुझे निकाल के बताओ बिना रास्ता जाने, नहीं निकाल सकते, ट्राई कर लो।
डब्ल्यू इंटीग्रेशन मान लो किसी ए से बी तक आप करते हो, एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, तो ए से बी तक क्या आ गया, ए वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस बी एक्स क्यूब डी वाई। तो बताओ कर पाओगे कि बिना वाई और एक्स का रिलेशन जाने इन कंटिन्यूस। अरे वीडियो ब्लर आ रहा है क्या सुशांत को लग रहा है, आपको भी लग रहा है क्या दीपेन्द्र, आप बताइए। सर सुशांत एक बार वापस रिज्वाइन कर लो बेटा आप एकदम से, या इधर उधर शफल करो स्क्रीन को, देखो बताओ मेरे को ठीक हो रहा है तो। ए वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस बी एक्स क्यूब डी वाई। हाँ चेंज कर लो सुशांत एक बार, इंटरनेट चेंज करो नहीं आके वॉइस में भी गड़बड़ आ जाएगी। तो आप देखिए ए वाई स्क्वायर डी एक्स। हाँ दीपेंद्र बताइए बेटा आप, क्या आप इसका बिना वाई और एक्स का रिलेशन बता दूं क्या रास्ता है, आप तुरंत कर देंगे। मान लो मैंने बोला वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वन, तो आप बिल्कुल वाई की जगह एक्स क्यूब प्लस वन डाल के इंटीग्रेट हो जाए, ठीक है ना, इधर एक्स का वाई के फंक्शन में डाल देंगे तो इंटीग्रेट हो जाए, मतलब रिलेशन बता दोगे तो ही आप कर पाओगे, उसके बिना आप इसका इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे हो। तो ऐसे फोर्सेस क्या कहलाते हैं, ऐसे फोर्सेस नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस कहलाते हैं, बिना रास्ता जाने आप उनका वर्क नहीं निकाल सकते हैं, बट जिनमें आप निकाल दें बिना रास्ता जाने, कोई पूछे क्या ये कंजर्वेटिव है, बिल्कुल कंजर्वेटिव है, आई कैप में केवल एक्स होगा इसमें केवल वाई होगा तो अपने आप कंजर्वेटिव होगा, ठीक है ना। तो जिन फोर्सेस का वर्क आप बिना रास्ता जाने निकाल पा रहे हैं, दोज आर कंजर्वेटिव फोर्सेस, जिसमें रास्ते की जरूरत पड़ रही है, अभी रास्ते की जरूरत का मतलब है वाई एज ए फंक्शन ऑफ एक्स जानना पड़ रहा है, वो आपके नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस कहलाते हैं। यहाँ तक आप बताइए क्या कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव की बात